और आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कैसे हमारी सांसें ना सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि हमारी सेहत, हमारी लाइफस्टाइल और हमारी किस्मत पर भी असर डालती है। और अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कैसे हमारी सांसें हमें निरोगी काया दे सकती है। बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक घंटे के कार्यक्रम में स्वर का पूरा कार्यक्रम कोई माइका लाल कर ही नहीं सकता है, वो चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। तो आप लोगों को एक जानकारी ये देना चाहता हूं, शिव स्वरोदय नाम की एक किताब है, नाम है शिव स्वरोदय, और 20-30 रुपए से ज्यादा की मिलती नहीं है। ये किताब आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और बाजारों में भी मिल जाएगी। इस किताब को या स्वर विज्ञान की किताब को लेकर के अगर आप एक बार उस किताब को मनन कर लें, अच्छे से पढ़ लें, तो बहुत सी काम की बातें आपको पता चल जाएंगी, जिससे आप और अपने परिवार को आप सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। और मैं तो ये मानता हूँ कि हर मनुष्य को स्वर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये बड़े विडंबना की बात है कि हमारे शरीर का जो मुख्य प्राण वायु है, जिससे हम जिंदा रहते हैं, हमें उसी के बारे में जानकारी नहीं है। तो शिव स्वरोदय पुस्तक अगर आपके पास रहेगी और उसको आप पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आपने बहुत कुछ पा लिया है जीवन में। तो जब हमारी बाईं नासिका से स्वर चलता है तो इससे पित्त की बजाय कफ बढ़ता है, जिससे हमारे शरीर में शीत की मात्रा बढ़ती है। इसके विपरीत जब दाहिनी नासिका से स्वर चलता है तो इससे एसिड यानी तेजाब या अम्लता बढ़ती है, जिससे शरीर में पित्त और उष्णता बढ़ती है। जब हमारा कोई एक स्वर ज्यादा चलता है, वैसे तो 54 मिनट पे ये बदल जाते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 54 मिनट के बाद इस नासिका से इस नासिका में स्वर परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर शरीर अस्वस्थ है, डाइजेशन सही नहीं है, तो बायां स्वर 2-4 घंटे चल जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो दाहिना स्वर घंटे 2-3 घंटे चल जाएगा। तो शरीर का संतुलन इससे बिगड़ता है और यही वजह है कि हम अपने शरीर में पित्त और कफ की मात्रा को बढ़ाकर बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। जब शरीर में आपके ज्यादा गर्मी महसूस हो रही हो, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, या आपको लू लग जाए, या आपको पित्त की समस्या हो, तो तुरंत घर आकर के दाहिनी करवट लेट जाइए। दाहिनी करवट समझ रहे हैं ना, सीधा हाथ नीचे करके लेट जाइए। ऐसा करने से 20 मिनट के अंदर आपके बाएं नासिका से स्वर चलना शुरू हो जाएगा, और जब बाएं नासिका से स्वर शुरू होगा तो आपके शरीर की गर्मी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, लू का प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। ये करके देख लीजिए। इसी तरह जब आपको सर्दी जुकाम या आपके फेफड़े को जकड़ लिया है जुकाम ने, कफ ने, तो आपको बाएं करवट सोना चाहिए। अगर बुखार भी है आपको तो बाएं करवट सोइएगा, दाहिने करवट सोने की भूल मत करिएगा। अगर आप बाएं करवट लेट जाएंगे तो इससे आपका दाहिना स्वर चलने लगेगा, जिससे शरीर में हीट पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी, और सर्दी जुकाम में आपको आराम मिल जाएगा। बहुत लंबे समय तक दाई या बाई नासिका का चलना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। बहुत लंबे समय तक दोनों नासिका से सांस आती रहे तो ये किसी गंभीर बीमारी के होने का संकेत है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।